उसमें एक व्यवस्था है। हम बोलते हैं हमको पता है यूपी क्या चीज है, पांडिचेरी की सालाना बजट है और हमको और 450 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलती है। आपका 90% जो आपका बॉर्डर है। तो हम पिछले 30 वर्ष से जब से कश्मीरी पंडितों को 1990 में कश्मीर घाटी से धर्म के आधार पर निकाल बाहर किया गया ताकि वहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा लागू हो, जिसे सैयद अली शाह गिलानी साहब कहते हैं कि वहाँ आज़ादी बराए इस्लाम की लड़ाई है, यानी इस्लाम के लिए आज़ादी की लड़ाई है, जहाँ भारत विरोधी माहौल है उस कश्मीर से हमको निकाला गया, जहाँ की वापसी के लिए हमारे रास्ते बंद हैं और अगर वो रास्ते बुलाना भी चाहते हैं या बुलाते भी हैं बीच बीच में बनावटी तौर पे, तो लेकिन उनकी शर्तों पे। उनकी शर्तें क्या हैं? जैसे पाकिस्तान में वहाँ माइनॉरिटी रहती है, जैसे अफगानिस्तान में हो, किसी भी इस्लामिक देश में हो, हम उस तरह कश्मीर में नहीं रहना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन रिऑर्गनाइज किया जाए और कश्मीर घाटी के अंदर 7 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के लिए और उन तमाम भारतीयों के लिए जिनका विश्वास है भारतीय संविधान में, उनके लिए ईस्ट एंड नॉर्थ यानी पूर्व और उत्तर वितस्ता के किनारे एक होमलैंड क्रिएट किया जाए, उसके लिए सेमिनार है। साथ में यहाँ जम्मू के हमारे भाई हैं जो जम्मू अलग जम्मू की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात लद्दाख में करते हैं, तो इस तरह से एक पुनर्गठन की बात, रिऑर्गनाइजेशन की बात को लेकर के आज सेमिनार है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं।